वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 7 स्टार्ट किया है, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए हैं टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। दैट इज़, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम चल रही है, बेरोजगारी की जो समस्या चल रही है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या मेजर्स लिए हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा जनरेट होगी तो अपने आप जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, जो बेरोजगारी की समस्या है, वो खत्म होगी। ऑलराइट, जिसकी वजह से पावर्टी भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। लेट्स सी मेजर्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके पॉइंट्स स्टडी करते हैं। वेरी फर्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम क्या है, लेट्स सी। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑन 28 मार्च 1972। तो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये पर्टिकुलर जो स्कीम है, ये सबसे पहली बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, इंट्रोड्यूस की थी ऑन 28 मार्च 1972। दिस स्कीम वॉज इंटेंडेड टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पॉपुलेशन एंड देयर बाय सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम है ये क्यों स्टार्ट की थी, क्यों लॉन्च की थी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार देने के लिए। जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांव में, जो विलेज में जो लोग रहते हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है रूरल एरिया की, ऑलराइट, गांव में जो लोग रहते हैं वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्कीम थी वो स्टार्ट की गई थी। जिससे क्या होगा, गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो वहाँ का जो रूरल पॉपुलेशन है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, दैट इज़ जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, उनको रोजगार मिलेगा, तो वहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, उनको रोजगार मिलेगा तो वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाएंगे, अपना जो लाइवलीहुड है वो अर्न कर पाएंगे, और धीरे धीरे इससे क्या होगी, पावर्टी जो है, गरीबी जो है, वो कम होने लगेगी। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट अश्योर्स टू प्रोवाइड मिनिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ड्यू टू इट्स सक्सेस इन महाराष्ट्र, EGS वॉज इम्प्लीमेंटेड इन दी अदर स्टेट्स एज वेल। तो इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट क्या कर रही है, कम से कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है, रोजगार देने का प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो गांव में जो लोग हैं उनको कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिल सके, रोजगार मिल सके, वो अपनी खुद की जो रोजी रोटी है, लाइवलीहुड है, वो अर्न कर सके। और ये जो स्कीम थी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ये महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। इसी वजह से देश के और भी बाकी जितने स्टेट्स हैं उन्होंने भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो थी अपने अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट की है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो अब ये कौन सी स्कीम है, दिस स्कीम वॉज लॉन्च इन April 1999 आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एलाइड स्कीम। तो ये जो स्कीम थी ये April 1999 में लॉन्च हुई थी आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब इसके पहले एक और प्रोग्राम था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से। ये जो प्रोग्राम था इसको चेंज करके, इसको रीलॉन्च करके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई थी इन April 1999। इट इज़ द ओनली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रूरल पुअर इन इंडिया। और ये ऐसी एक लौती स्कीम है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करती है, एंड दैट टू फॉर द रूरल पुअर इन इंडिया। मतलब जो देश के अंदर जो गरीब लोग हैं, गाँव में जो लोग रहते हैं और जो गरीब है, उनके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो और ज़्यादा इनकलकेट करना चाहते हैं ये पर्टिकुलर स्कीम के तहत। ऑलराइट, दैट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब स्वरोजगार। ये जो स्कीम है इसके अंदर नाम ही गिवन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ग्राम स्वरोजगार का मतलब होता है, ग्राम मतलब गांव, विलेज, और स्वरोजगार मतलब स्वयं रोजगार, खुद को रोजगार प्रोवाइड करना। ऑलराइट, तो ये जो स्कीम है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के ऊपर फोकस करती है। दैट इज़ जो गांव में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, काम ढूंढने के लिए अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में माइग्रेट करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। बट गांव के लोग जो है वो गांव में ही अगर खुद के लिए रोज़गार अगर लेकर आएंगे, खुद के लिए रोज़गार जो है वो ओपन करेंगे, तो उनको खुद को वहीं पे रोज़गार मिल जाएगा। ऑलराइट, दैट इज़, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे कोई कर सकता है, स्वरोजगार कैसे लेके आ सकता है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके। जो गांव के लोग हैं वो खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट करे, बहुत सारी चीज़ें उनको आती है, बहुत सारे स्किल है गांव के लोगों के पास, छोटी छोटी काम उनको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है,
तो अगर वो उसका छोटा सा एक शॉप भी अगर ओपन कर लेते हैं तो खुद के लिए जो लाइवलीहुड है, खुद की रोजी रोटी जो है वो अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अपने खुद की फैमिली का जो नीड्स है वो सैटिस्फाई कर सकते हैं। ऑल राइट, और गवर्नमेंट जो है इसके लिए उनकी हेल्प कर सकती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है। अगर उनको शॉप ओपन करना है, जो बिजनेस ओपन करना है उसके लिए अगर उनको पैसों की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट क्या है, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उनको लोन भी प्रोवाइड कर सकती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है ये स्कीम के तहत सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसको और ज़्यादा इनकलकेट करने के लिए इन रूरल पुअर। ऑल राइट, नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब ये वाला जो पर्टिकुलर स्कीम है वो किसके ऊपर फोकस करता है, शहरी रोजगार योजना। मतलब इसके पहले जो हमने स्कीम देखी वो विलेजेस के ऊपर फोकस करती थी, और ये जो स्कीम है ये शहरी रोजगार योजना है, मतलब सिटीज़ के ऊपर फोकस करेगी। दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन दिसंबर 1997। इट प्रोवाइड्स गेनफुल एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन एम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड। तो ये जो स्कीम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये लॉन्च हुआ था दिसंबर 1997 में, और इसका जो फोकस था वो किसके ऊपर था, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। लेकिन किसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं, सिटी एरिया में रहते हैं जो कि अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। एंड सेकेंडली जो अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड मतलब जो काम कर रहे हैं बट उनकी कैपेसिटी जितनी है उससे काफ़ी कम काम कर रहे हैं, उनकी क्षमता से काफ़ी कम काम कर रहे हैं। तो अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना शहरों में, ये इस पर्टिकुलर स्कीम का मकसद था। इट इंक्लूडेड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन एंड अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रोग्राम्स जो थे वो इंक्लूडेड थे, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वयं रोजगार, बिजनेस अपना ओपन करने के लिए, वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जो औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं उनके अंदर भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो था वो स्किल जो थी वो लॉन्च करने के लिए, दैट इज़ जो वुमेन्स है वो भी अपना खुद का छोटा छोटा बिजनेस जो है, शॉप्स हैं, वो ओपन कर सकती हैं। ऑल राइट, देन स्किल ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन, बहुत सारी स्किल्स जो थी उसको ट्रेन करने के लिए, स्किल्स को इनकलकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई थी, बहुत सारे प्रमोशंस किए थे। अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, फॉर दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर 75% ऑफ द कॉस्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर 25% ऑफ द कॉस्ट। सो ये जो स्कीम था इसको लॉन्च करने का जो एक्सपेंसेस था, जितना खर्चा था वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट था वो शेयर कर रही थी, दैट इज़ इस स्कीम का जितना भी खर्चा था उसका एक्सपेंस जो था 75% एक्सपेंसेस सेंट्रल गवर्नमेंट इनकर करती, एंड 25% जो एक्सपेंसेस था, जो खर्चा था वो स्टेट गवर्नमेंट इनकर करने वाली थी। ऑल राइट, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है देख लेते हैं। दिस स्कीम इज़ बीन इम्प्लीमेंटेड सिंस 1993 टू क्रिएट एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू मोर देन 1 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। तो ये स्कीम था ये 1993 में ही लॉन्च कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। इस स्कीम के तहत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो थी वो प्रोवाइड की जाने वाली थी टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। देश में जो भी युवा लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो कि एजुकेटेड है, क्वालिफाइड है, डिग्रीज तो हैं बट अभी तक उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास अभी तक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो थी वो प्रोवाइड की जाने वाली थी इस स्कीम के तहत। मोर देन 1 मिलियन एजुकेटेड, मतलब 10 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाले थे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब रूरल यूथ मतलब जो गाँव के लोग हैं, जो विलेजेस के लोग हैं, और वहाँ के जो यंगस्टर्स है, यूथ मीन्स यंगस्टर्स जो है, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर करना है, मतलब खुद को अगर उनको रोजगार लेना है तो उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, स्किल की ज़रूरत है। और राइट, अपना खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी कुछ स्किल्स और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये पर्टिकुलर स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी, दैट इज़ ट्राइसेम। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1979 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैकलिंग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अमंग द रूरल यूथ। ये जो स्कीम था ये कब स्टार्ट किया गया था, 1979 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका मकसद क्या था, जो रूरल यूथ है, जो गांव की जो पॉपुलेशन है, यंगस्टर्स है, उनके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, उसको कम करने के लिए, उसके पीछे प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये पर्टिकुलर जो स्कीम था ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये स्कीम स्टार्ट किया था, लॉन्च किया गया था। इसके तहत जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी। इट एम्ड एट ट्रेनिंग अबाउट 2 लाख यंग 2 लाख रूरल यूथ एवरी ईयर टू एनेबल देम टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड। और इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत
लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी, मतलब जो यंग जनरेशन है गांव में, जो रूरल एरियाज में जो यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनमें से हर साल 2 लाख रूरल यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही थी टू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब उनको खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड स्वरोजगार जो था, खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो स्किल की ज़रूरत है, जो कैपेसिटी की ज़रूरत है, कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, तो वो सारी ट्रेनिंग जो थी वो इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत दी जा रही थी, और हर साल 2 लाख यंगस्टर्स को ट्रेन किया जा रहा था इस स्कीम के तहत. ट्राइसेम वॉज मर्ज्ड इनटू स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इन अप्रैल 1999. देन अप्रैल 1999 में क्या हुआ था, ट्राइसेम जो था ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये पर्टिकुलर जो स्कीम थी वो मर्ज की गई थी, मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो था, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करा था, तो उसके साथ में ट्राइसेम जो था इसको मर्ज कर दिया गया था, जोड़ दिया गया था इन अप्रैल 1999 में. नेक्स्ट इज जवाहर रोजगार योजना. तो ये क्या है, ऑन 1st April 1989 द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम द जवाहर रोजगार योजना फॉर इंटेंसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इन 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स. तो ये पर्टिकुलर जो स्कीम था ये फर्स्ट अप्रैल 1989 में अनाउंस किया गया था बाय गवर्नमेंट, और इस स्कीम के तहत जो जवाहर रोजगार योजना ये जो स्कीम था इसके तहत देश के जो 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मतलब 120 पिछड़े जो इलाके हैं, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो था रोजगार प्रोवाइड किया जाना था इस स्कीम के तहत. इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू रूरल एरिया विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1999 इट वॉज रीनेम्ड एज जवाहर ग्राम समृद्धि योजना. तो मोस्टली जो स्कीम था ये फोकस किसके ऊपर करा था, रूरल एरियाज के ऊपर, मतलब विलेज जो था, गांव एरिया जो था, सिर्फ उसी के ऊपर ये जो स्कीम था उसके ऊपर फोकस किया गया था, दैट इज़ जो रूरल यूथ था, जो रूरल पॉपुलेशन थी, उनको इस स्कीम के तहत रोजगार मिलने वाला था. इसके लिए मोस्टली ये जो स्कीम था ये रूरल एरियाज के ऊपर ही फोकस किया गया था. इसके लिए अप्रैल 1999 में ये जो स्कीम था जवाहर रोजगार योजना, इसका नाम चेंज करके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना रख दिया गया था. ऑलराइट, नेक्स्ट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता है. देख लेते हैं क्या है. सिंस 2 अक्टूबर 2009 नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज़ बीन रीनेम्ड एज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. तो 2 अक्टूबर 2009 में ये जो स्कीम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, पहले ये नाम था, इसको चेंज किया था 2 अक्टूबर 2009 में, और इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रखा गया था. दिस स्कीम प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउसहोल्ड हुज अडल्ट मेंबर वॉलंटियर्स टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. तो ये जो स्कीम था इसके तहत जो गाँव के लोग हैं, जो रूरल पॉपुलेशन है, वहाँ के लोगों को साल में, एक साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार प्रोवाइड किया जाने वाला था, और ऐसे लोग जो कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क कर सकते हैं खुद आगे आके, मतलब जो मजदूरी का काम कर सकते हैं, ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाने वाला था इस स्कीम के तहत. ऑलराइट, मतलब एक साल में 100 दिन के लिए तो कम से कम उनको रोज़गार मिलने वाला था, और उनको उसके लिए पैसे भी मिलने वाले थे, लेकिन सिर्फ काम क्या था, मजदूरी का. अनस्किल्ड मैनुअल वर्क मतलब जो मजदूरी का काम होता है वो काम इस स्कीम के तहत मिलने वाला था रूरल एम्प्लॉयमेंट रूरल पॉपुलेशंस को. ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं दूसरा कौन सा है. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 2014. तो ये जो पर्टिकुलर योजना है, ये पर्टिकुलर स्कीम था, ये 2014 में आई थिंक लॉन्च किया है. इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अनाउंस्ड ऑन 23 सितंबर 2014. तो जो स्कीम था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग स्कील था, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाने वाला था और ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट भी प्रोवाइड किया जाने वाला था. ऐसा नहीं कि लोगों को सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करके छोड़ देंगे, वो अपना काम खुद ढूंढेंगे, ये नहीं था. इस स्कीम के तहत लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही थी, साथ साथ में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनको प्लेसमेंट, उनको जॉब भी प्रोवाइड किया जाने वाला था इस प्रोग्राम के अंडर, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि अनाउंस कब हुआ था 23 सितंबर 2014 को. द मिशन ऑफ द स्कीम इज़ टू रिड्यूस पावर्टी एज वेल एज प्रोवाइड गेनफुल एंड सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट थ्रू रेगुलर वेजेस. और ये जो स्कीम था इसका मिशन क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, पावर्टी गरीबी को कम करना और लोगों को रोजगार प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और ऐसा नहीं कि टेम्पररी बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट नहीं, सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, जो कि अच्छी तरीके से काफ़ी लंबे समय तक लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसा रोजगार लोगों को प्रोवाइड करना था
एंड दैट टू विद रेगुलर वेजेस, उनको प्रॉपर सैलरी भी मिलने वाली थी इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत. द फोकस ऑफ दिस प्रोग्राम इज ऑन द रूरल यूथ फ्रॉम पुअर फैमिलीज इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 years. और मोस्टली फोकस किसका था, मतलब कौन से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला था, रोजगार मिलने वाला था, रूरल यूथ मोस्टली, जो विलेज एरिया है, जो गाँव के जो लोग हैं, यंगस्टर्स जो थे उनको रोजगार मिलने वाला था इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत. और जो कि पुअर फैमिली, गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसे यूथ, ऐसे यंगस्टर्स को रोजगार प्रोवाइड किया जाने वाला था इस प्रोग्राम के तहत इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35, जब 15 से 35 साल की उम्र के जो लोग थे उनको रोजगार प्रोवाइड करने के लिए ये जो स्कीम था ये लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट इज नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015. अब ये क्या है, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट वॉज नोटिफाइड इन 2009 टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वाया इनोवेटिव फंडिंग मॉडल्स. तो ये जो स्कीम था इसका सबसे पहला एक पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च किया गया था 2009 में, चालू किया था फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट, ये चालू किया था 2009 में. और इसका मकसद क्या था, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, मतलब अब तक सिर्फ गवर्नमेंट ही कर रही थी अपनी तरफ से, लेकिन इस स्कीम के वजह से क्या हुआ था, ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था इसके तहत जो प्राइवेट सेक्टर्स थे उनका भी पार्टिसिपेशन लेकर आना चाह रही थी गवर्नमेंट, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स थे वो भी क्या करे, अपना कुछ कंट्रीब्यूट करे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए. ऑलराइट, उनका भी फंडिंग जो था वो इम्पॉर्टेंट था. सिर्फ गवर्नमेंट अपनी तरफ से कितना कोशिश करेगी, कितना लोगों को रोजगार प्रोवाइड करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर्स को भी अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेना ज़रूरी है, कुछ काम करना ज़रूरी है, जो कि यंगस्टर्स जितने हैं कंट्री में उनको रोजगार मिल सके, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके. इसके लिए ये जो स्कीम था ये लॉन्च किया गया था. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ टू कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेंथन फैक्टर्स एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री. सो इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन मकसद क्या था, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब लोगों के अंदर बिजनेसमैन की जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी को और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन करना, उसको और मजबूत करना, लोग एक साथ में मिलके कोऑर्डिनेट करके बिजनेस अपना ओपन करें, कहीं जाके वो जॉब ना ढूंढे बट अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करे, इस मकसद से ये पर्टिकुलर स्कीम जो था वो लॉन्च किया गया था. इट वुड इंक्लूड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर. तो इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर क्या इंक्लूडेड था, लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को प्रमोट करना, मतलब लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, उसके लिए जो स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है उसको इनकल्केट करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए ये पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की गई थी, नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015. एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ वायबल करियर ऑप्शन थ्रू एडवोकेसी. सो इसका मतलब क्या था, लोगों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप जो स्किल था कि खुद का बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट करना है, खुद के अंदर एक बिजनेसमैन का स्पिरिट जो था वो लेके आना, उसको मोटिवेट करना, उसको इनकरेज करना, इस स्कीम का मकसद था कि खुद जो है वो कहीं जॉब ढूंढने ना जाए, जॉब अपना एक करियर नहीं बनाए बट एंटरप्रेन्योरशिप जो बिजनेसमैन जो पर्टिकुलर क्वालिटी है उसको अपना करियर बनाए, ये पर्टिकुलर जो स्कीम था वो फोकस कर रहा था इसके ऊपर. एंड नेक्स्ट इज प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन्स. वुमेन्स के अंदर भी एंटरप्रेन्योरशिप जो था वो प्रमोट करना ये स्कीम का मकसद था. जो औरतें हैं, जो वुमेन्स हैं, वो उनके अंदर भी बिजनेस वुमेन की कुछ क्वालिटीज़ होती है, अपना खुद का बिजनेस जो है वो स्टार्ट करके अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए वुमेन्स को भी और ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था, एनकरेज किया जा रहा था इस स्कीम के तहत. ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. इट वॉज इंट्रोड्यूस इन जनवरी 2016 विद एन एस्पिरेशन टू इम्पार्ट मोर स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन टू द टैलेंटेड यंग जनरेशन ऑफ इंडिया टू डू समथिंग न्यू फॉर इंडिया एंड ह्यूमैनिटी. तो ये क्या है, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव. ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था, लॉन्च कब किया गया था, इन जनवरी 2016. और इसका मेन मकसद क्या था, टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन टू द टैलेंटेड यंग जनरेशन ऑफ इंडिया टू डू समथिंग न्यू फॉर इंडिया एंड ह्यूमैनिटी. सो ये स्कीम लॉन्च किया गया था इन जनवरी 2016. और मेन मोटिव क्या था ये स्कीम को लॉन्च करने का, इंडिया के अंदर कंट्री में जो टैलेंटेड यंग जनरेशन है, जो यंगस्टर्स हैं वो काफ़ी टैलेंटेड है, उनका स्ट्रेंथ और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, उनके अंदर और इंस्पिरेशन लेके आने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज यंग जनरेशन जो होती है वो टैलेंटेड होती है, बस उनको क्या चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है, कोई अगर उनको मोटिवेट करे, सपोर्ट करे, उनका स्ट्रेंथ बढ़ाए तो क्या कर सकते हैं, वो और ज़्यादा कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं. तो यंग टैलेंटेड जो जनरेशन है कंट्री की, वो अगर उनको गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव देगी, अपनी तरफ से कुछ मोटिवेशन करेगी, तो यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ नया कंट्री के लिए भी कर सकते हैं,
और ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए भी कुछ फ्रूटफुल कर सकते हैं। इसके तहत स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ये पर्टिकुलर स्कीम, ये प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया था, लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016-20। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू एनकरेज स्किल डेवलपमेंट अमंग यूथ बाय प्रोवाइडिंग मॉनिटरी रिवॉर्ड्स फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट की थी सो दैट जितने यंगस्टर्स हैं कंट्री में, जितना यूथ है, उनके अंदर स्किल्स जो थी वो इम्पार्ट हो सके, स्किल्स जो थी उनके अंदर इनकलकेट हो सके। तो स्किल डेवलपमेंट जो था वो और इनकरेज करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो थी वो स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया था, और जो भी यंगस्टर्स, जितने भी यूथ थे, ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते, गवर्नमेंट उनको क्या कर रही थी, रिवॉर्ड दे रही थी, मतलब मॉनिटरी टर्म्स में प्राइजेस दे रही थी, सो दैट जितने यंगस्टर्स हैं वो और ज़्यादा इनकरेज हो सके। द गवर्नमेंट हैज़ अलोकेटेड अ बजट ऑफ रुपीज़ 12,000 crore टिल 2020 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। तो गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम था इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी बड़ा बजट था, पैसे सैंक्शन किए थे, दैट इज 12,000 crore रुपीज़ सैंक्शन किया था टिल 2020 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारी जो टॉपिक था वो पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। टोटल 11 पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर, दैट इज मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके अंदर टोटल 11 पॉइंट्स थे जो हमने पूरे के पूरे स्टडी कर लिए। आई होप आपका पूरा का पूरा जो पॉइंट था समझ में आया होगा इस टॉपिक का। सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, एंड हमारा जो चैप्टर था, चैप्टर 7 अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इस वीडियो का पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक समझ में आया होगा, एंड ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। चैप्टर जो है वो अलग अलग पार्ट्स में अवेलेबल है, आप चैनल पे जाके बाकी के पार्ट्स देखकर समझ सकते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।